को जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो देखिए माता रानी का आप सभी दर्शन कर लीजिए। तो आज नवरात्रि का मैं जो रोज़ पूजा करती हूँ, मेरा पूजा का जो रूटीन है 9 दिन का, वो मैं थोड़ा सा आप सबको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं नहा धो के ये लाला को उठा के लेके आई हूँ। थोड़ा सा मैं इधर टहला के फिर ले जाके इनको मंदिर में बिठा दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ हटाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पैर पढ़ लूँगी सबका। नहा के आने के बाद यहाँ पे सारे जो भगवान हैं यहाँ पे, जैसे कि नवग्रह हो गया, कलश देवता, अग्नि देवता, माता रानी, सबका पैर पढ़ के उसके बाद मैं अभी फूल सब उतारूंगी। फूल उतार के ज़रूरी है कि सर पे रखना चाहिए। कहते हैं कि जो सर पे फल फूल भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ लगाता है उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। तो इस हिसाब से भगवान का सर पे फूल कभी लगाना चाहिए। तो कभी भी मंदिर का फूल उतारे तो भगवान का सर से लगाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से भी मैं, कोई कोई आता पैर पड़ता है तो अच्छा था और फूल डालता है तो सब ऊपर इधर रहता है। तो सारा मैं अच्छे से यहाँ पे सब निकालूंगी। 1-1.5 घंटा लग जाता है, पर मैं काट काट के थोड़ा थोड़ा सीन आप सबको दिखाऊंगी। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने सब, इनकी साड़ी पे भी थोड़ी चली जाती है चावल वगैरह, तो सब निकालती हूँ। जो मैं हार निकाली थी ना, इसको बाहर में दरवाजे के सर रंगोली जैसा गोल करके रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे पहले अब मैं अखंड ज्योति में अपने घी बढ़ा दूंगी और बात बढ़ा दूंगी। ये सब करने के बाद फिर मैं पूजा चालू करूंगी। अभी सारा सामान जैसे फ्रूट हो गया, दही, बतासे, सब ला के यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये आई है माता रानी का पैर पड़ने के लिए। तो ये नहा धो लिए तो फिर उसके बाद आई पैर पड़ने के लिए। बाजू में ही रहती है, उनकी बेटी है। तो ये सबको नमस्ते कर रही है आप सबको। तो मैंने इसको बोला तो नमस्ते कर रही है। तो अभी मैं इसको भेज दूंगी घर पर। सारा सामान यहाँ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, तो भी कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो सब फल फूल पान जो भी चढ़ाना रहता है यहाँ पर रख ली हूँ। अब सर पर मैं एक दुपट्टा डालूंगी। फिर उसके बाद 3 बार मैं आचवनी करती हूँ। आचवनी मंत्र आता है तो आचवनी मंत्र आप कर लीजिए, नहीं तो 3 बार ऐसे ही माता रानी का नाम लेके आचवनी कर लेंगे तो भी चलता है। फिर लास्ट में हाथ धो लेंगे। अब सबको स्नान का भाव रखते हुए सबको मैं जल से स्नान कराऊंगी। एक कटोरी में बाजू में रखी हूँ, उसी में मैं पानी डालती जाती हूँ, जो जो जल उनको स्नान कराऊंगी। क्योंकि जो चीज़ मैं जितनी बार चढ़ाती हूँ उतनी बार मैं आचवन घुमाती हूँ। तो अभी मैं कलावा चढ़ा रही हूँ, इसको वस्त्र रूपी कलावा मैं समझ के चढ़ाती हूँ। तो चढ़ाऊंगी तो फिर मैं हाथ धोऊंगी, बार बार हाथ धोती हूँ जो जो चीज़ें चढ़ाती हूँ। एक आध बार भूल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अभी मैं इत्र चढ़ाऊंगी, तो एक एक करके सब कुछ चढ़ाऊंगी। और इत्र मैं एक फूल पे गिरा लेती हूँ। गिराने के बाद थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबके पास भी रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ऐसे सुगंध पूरा दिन बना रहता है माता जी के पास। तो इस तरह से जो भी साधारण सिंपल सा आता है वो मैं करती हूँ। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, जो भी कम ज़्यादा हो सब स्वीकार करते हैं। बस अपना भाव अच्छा रहना चाहिए। अभी मैं अच्छत है ना, पीला कलर का चावल मैं रंग के रखी हूँ, तो वही मैं थोड़ा सा बाएं हाथ पे रख के दाएं हाथ पे सबको अच्छत दूंगी। तो अच्छत देने के बाद अभी मैं माता रानी को हार पहना रही हूँ और सबको फूल चढ़ा दूंगी। क्योंकि यहाँ पे फूल मैं नीचे चढ़ाती हूँ, इनको हार पहनाती हूँ और उधर मंदिर में भी हार पहनाती हूँ। कभी कभी मैं सबको फूल ही चढ़ा देती हूँ जैसा रहता है। तो अभी मैं सबको फूल चढ़ा दूंगी। तो जहाँ पे ये षोडश मातृका है, नवग्रह, अखंड ज्योति, उसके बाद गौरी गणपति उधर रखे हुए हैं पाठ पे पान के ऊपर, तो सबका मैं पूजा कराऊंगी। पंडित जी स्थापना के दिन आते हैं और हवन के दिन आते हैं, बीच में मैं इसी तरह से पूजा कर दूँ। ये वेनी है ना, इसको मैं कलश को पहना देती हूँ। कलश पे नारियल को अभी वेड़े रखने लगे, अभी मुझे भी मालूम पड़ गया है, पर मैं पहले से ऐसे ही रखती हूँ तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो देखिए मैं इनको हर रोज़ एक वेनी बदलती हूँ, जैसे इनका हार बदलती हूँ। तो अभी सब फूल चढ़ाने के बाद, सब कुछ होने के बाद अब इनको मैं भोग अर्पण करूँ। तो सुबह के भोग में मैं फ्रूट चढ़ाती हूँ, कुछ भी फ्रूट मंगाती हूँ, 1-2 वही चढ़ा देती हूँ। दोपहर को जो फलाहार बनता है वो चढ़ता है और शाम को पंचमेवा चढ़ाती हूँ। तो इनको तो अन्न का भोग लगता नहीं है, 9 दिन तक मैं नहीं लगाती हूँ। हो सकता है कोई लगाता हो तो, मगर मैं नहीं लगाती हूँ। लास्ट दिन जिस दिन कन्या खाती है उसी दिन 9 जोड़े का भोग सब लगता है। तो सब जगह मैं दोने में करके प्रसाद रख देती हूँ, ऐसे पाट पे भी रख देती हूँ। और माता रानी को ऐसे थाल में लेके यहाँ पे मैं इनको भोग दिखा के और जल से आचवनी दिखा देती हूँ, जल दिखा देती हूँ। तो सबको जल दिखाऊंगी मैं अभी यहाँ पे। तो सबको मैंने जल दिखा दी इस तरह से। तो इसी तरह से साधारण सिंपल तरीके से मैं करती हूँ, जो मुझे आता है, जितना आता है मैं वो करती हूँ। तो अभी मैं धूप दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे होएगा क्योंकि 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहता है पूजा का, तो इसको कट कर करके मैं आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से अभी मैं दही बतासे का भी इनको भोग लगाती हूँ। तो अभी दही बतासा लास्ट में मैं लगा दूंगी, फिर लास्ट में इनको मैं
तो सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में इनको पान जरूर खिलाना चाहिए मुखवास के लिए। अगर पान नहीं है तो कम से कम लौंग इलायची रखना चाहिए। तो इसी तरह से मैं चैत्र वाला जो नवरात्रि आता है ना उसमें भी पूजा करती हूँ, पर उसमें माता जी की मूर्ति नहीं रहती है। जो मेरे घर में माता जी है पीतल की, उनका ही मैं पूजा करती हूँ, पर पूजा विधि मेरा सेम रहता है इसी तरीके से। उसमें मैं स्वयं से भी घट स्थापना करती हूँ। तो अभी मैं आरती कर लेती हूँ, अभी मैं नॉर्मल एक आरती कर लेती हूँ, बाद में बच्चे आ जाते हैं तो मैं पाठ करने के बाद फिर से एक आरती गा के अच्छे से करती हूँ। तो जो भी पाठ करना रहेगा, या कुंजी का पाठ करती हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना रहेगा, या फिर दुर्गा चालीसा माला जो करना रहता है मैं बाद में उसको करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना ही कर पाता है। फिर उसके बाद फिर से मैं वापस बैठती हूँ, फिर शाम का मेरा पूजा होता है। शाम में मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद अगर मुझे पाठ बाकी रहता है तो कभी कभार मैं पाठ भी कर लेती हूँ। तो देखिए ये इनका पूजा होने के बाद ये इनका दर्शन कर लीजिए आप सब भी, बहुत ही सुंदर लग रही है माता रानी। ऐसा देखो तो इनको देखते ही रहो ऐसा मन करता है। तो अभी ये शाम का मैं थोड़ा सा आपको आरती दिखा रही हूँ। तो हम लोग आरती कर रहे हैं आज, थोड़े हम लोग भी कर रहे हैं, तो इस तरह से आरती कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो डाली हूँ आरती का, कभी मैं डिटेल में आरती दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं आरती दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा ही। तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। राधे राधे आप सभी।